आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत में महंगाई चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी छमाही में धीरे धीरे कम होने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात आर्थिक विकास संस्थान द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में कही। बता दें कि वर्तमान में खुदरा महंगाई लगातार पांचवे महीने RBI के 6% के अपर टॉलरेंस बैंड से अधिक रही है। इसके अलावा घरेलू थोक महंगाई पिछले एक साल से अधिक समय से डबल डिजिटल में बनी हुई है। इसके अलावा खाद्य कीमतों पर उन्होंने कहा कि वैश्विक कीमतें मार्च में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हैं। उनका प्रभाव खाद्य तेल, फीड लागत और घरेलू गेहूं की कीमतों पर पड़ रहा है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि गर्मी की लहर के कारण रबी गेहूं के उत्पादन के नुकसान ने गेहूं की कीमतों पर और दबाव डाला है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और प्रतिबंधों के कारण सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, जिससे महंगाई बढ़ी है। आपको बता दें, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कुछ दिन पहले कहा था कि दिसंबर 2022 तक महंगाई केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित लक्ष्य 6% से अधिक बनी रहेगी। हालांकि उन्होंने कहा था कि 6% से नीचे आने की उम्मीद है। एक साक्षात्कार में दास ने कहा, मुद्रास्फीति निश्चित रूप से अधिकांश देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं बढ़ती महंगाई का सामना कर रही हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिसने दुनिया भर में सरकारों और केंद्रीय बैंकों को चिंता में डाल रखा है। जहां तक बात देश की महंगाई की है, तो इसके पीछे बाहरी कारण सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।